हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स माय नेम इज शैकत आज मैं यू सी सिक्स हंड्रेड आर्टिकल इलेवन पे डिस्कस करूंगा आर्टिकल इलेवन इज अबाउट टेली ट्रांसमिटेड एंड प्री एडवाइज क्रेडिट्स एंड अमेंडमेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर ए क्या है एन ऑथेंटिकेटेड टेली ट्रांसमिशन ऑफ अ क्रेडिट और अमेंडमेंट विल बी डीम टू बी द ऑपरेटिव क्रेडिट और अमेंडमेंट एंड एनी सब्सिक्वेंट मेल कन्फर्मेशन शैल बी डिस तो यहाँ पे जो बोल रहा है ऑथेंटिकेटेड टेली ट्रांसमिशन ये हाईलाइट कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है ट्रांसमिशन थ्रू स्विफ्ट स्विफ्ट भी अगर कुछ एल सी लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो कि ऑथेंटिकेटेड टेली ट्रांसमिशन माना जाता है तो उसके थ्रू अगर स्विफ्ट uh, उसके थ्रू अगर कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है या ट्रांसमिट होता है तो दैट इज़ द फाइनल एल सी एंड उसके बाद अगर एनी सब्सिक्वेंट मेल कन्फर्मेशन मेल कन्फर्मेशन यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है कुरियर पे कुछ आ रहा है मेल मतलब कुरियर के थ्रू पोस्ट पोस्टल या फिर कुरियर कंपनी के थ्रू कुछ अगर कन्फर्मेशन कुछ चेंजेस इन दैट एल सी टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कुछ एडिशंस वो अगर रिसीव हो रहा है दैट विल बी डिसरिगार्डेड इसका मतलब यही है जो स्वीप के थ्रू आया है ऑथेंटिकेटेड ट्रांसमिशन के थ्रू जो भी एल सी मिला है दैट इज़ द फाइनल एल सी इसका मतलब यही है अच्छा एक्सप्लेनेशन मेरा एक बार देख लीजिए ये ऑथेंटिकेटेड का मतलब आपको समझ में आ जाएंगे ये एक बार रीड आउट कर लीजिए जस्ट ये सारा चीज मैं सी डी सी एस का बुक से कॉपी किया हूँ एम टी सेवन हंड्रेड इज द स्वीट मैसेज टाइप जनरली यूज टू कन्वे द डिटेल्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट टू एन एडवाइजिंग बैंक विद और विदाउट अ रिक्वेस्ट Or authorization for confirmation to be added an mt799 ma message uh, may also be used when a formatted message such, such as MT7, uh, mt700 is not the appropriate both of these swift messages are authenticated swift messages next paragraph an mt199 is authenticated but it is free format and can be used for anything while एंड एम टी ट्रिपल नाइन इज एन अनऑथेंटिकेटेड मैसेज टाइप तो एम टी ट्रिपल नाइन नाइन के थ्रू अगर इसका मतलब कोई एल सी ट्रांसमिट हो रहा है तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड ओके वाइल एम टी सेवन नाइन नाइन इज एन अनऑथेंटिकेटेड मैसेज टाइप अ मैसेज एस्टैब्लिशिंग अ डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट बाई टेलेक्स मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एंड ऑफन द इश्यूइंग बैंक विल हैव टेस्टिंग अरेंजमेंट विद द एडवाइजिंग बैंक if such direct testing arrangement do not exist the issuing bank will send the message to a correspondent bank that has testing arrangement with a request to pass on the documentary credit authenticated between uh, such correspondent bank and the advising bank इसका मतलब मैं पहले भी मैं मेरा कोई पिछले वीडियोस पे भी मैं डिस्कस किया था कि अगर डायरेक्ट आर एम अरेंजमेंट नहीं है कोई एडवाइजिंग बैंक के साथ तो ईशुइंग बैंक डायरेक्टली उस बैंक को ट्रांसफर नहीं करता ट्रांसमिट नहीं करता जिसके इश्विंग बैंक के पास कोई भी बैंक उस कंट्री में मान लीजिए सिंगापुर में एलसी जा रहा है ट्रांसमिट करना है बेनिफिश बेनिफिशियरी का कंट्री सिंगापुर में है तो उस कंट्री में जिस बैंक के साथ ईशुइंग बैंक का आर एम अरेंजमेंट है पहले तो वो इशूंग बैंक विल ट्रांस सेंड द स्विफ्ट टू दैट बैंक एंड दैट बैंक विल फर्दर सेंड द स्विप्ट टू बेनिफिशियरी बैंक तो वही जो मिडिल में जो बैंक आ गया वो हो गया कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ठीक है नेक्स्ट क्या है इफ़ द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज सेंट इन हार्ड कॉपी द सिग्नेचर अपेयरिंग दे आर ऑन कैन बी ऑथेंटिकेटेड अगेन्सपेमेन हेल्ट विद द एडवाइजिंग बैंक है इट इज ये बहुत ईजी सेंटेंस है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये आर्टिकल का पॉइंट है इफ़ अटेली ट्रांसमिशन स्टेट्स फुल डिटेल्स टू फॉलो और वर्ड्स ऑफ सिमिलर इफेक्ट और स्टेट्स दैट द मेल कंफर्मेशन इज टू बी ऑपरेटिव क्रेडिट और अमेंडमेंट देन द टेली ट्रांसमिशन विल नॉट बी डीम टू बी द ऑपरेटिव क्रेडिट और अमेंडमेंट द इशुइंग बैंक मस्ट देन इशू द ऑपरेटिव क्रेडिट और अमेनमेंट विदाउट डिले ये भी रिमेम्बर कर लीजिए विदाउट डिले यहाँ पे है इन टर्म्स नॉट इन कंसिस्टेंट विद द टेली ट्रांसमिशन यहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूँ ये मेरा एक्सप्लेसन देख लीजिए ये एल आपके पास एक मिला है टेली ट्रांसमिशन स्विफ्ट के थ्रू मिला है जहाँ पे ये सारा डिटेल्स लिखा है बेनिफिशरी नेम एल वैल्यू डेट ऑफ शिपमेंट एक्सपायरी डेट लास्ट में एक क्लॉज दिया है एस फुल डिटेल्स टू फॉलो और सिमिलर मीनिंग का कोई और भी क्लॉज कोई और सेंटेंस लिखा है जिसका मतलब है कि आपका फुल डिटेल्स अभी तक नहीं दिया है वो बाद में आएगा तो इसका ऐसे अगर कुछ कंडीशंस रहेगा तो इट इज नॉट एन ऑपरेटिव क्रेडिट ये जो एल मिला है इसका मतलब बाद में ऑपरेटिव क्रेडिट इश्यू करना है इशुंग बैंक विल सेंड द ऑपरेटिव क्रेडिट लेटर ऑन और सेम सेम हैपन्स विद अमेनमेंट आल्सो नॉट ओनली इशुन स्विट इट इट कैन बी विद द अमेंडमेंट आल्सो सिमिलर ठीक है तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है अ प्रिलिमिनरी एडवाइस ऑफ द इशुएंस ऑफ क्रेडिट और अमेंडमेंट प्री एडवाइस शैल ओनली बी सेंट इफ द इशूंग बैंक इज प्रिपेर टू इशू द ऑपरेटिव क्रेडिट और अमेंडमेंट एन इशूंग बैंक दैट सेंड्स अ प्री एडवाइस इज इरेवर्कबली कमिटेड टू इशू द ऑपरेटिव क्रेडिट और अमेंडमेंट विदाउट डिले इन टर्म्स नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्री एडवाइस तो ये भी मैं बताऊंगा लास्ट एग्जाम्पल ही रेफर कीजिए यहाँ पे ऐसा अगर स्विफ्ट आया है कोई टेली ट्रांसमिशन आया है आपके पास तो इशूइंग बैंक इज बाउंड टू इशू द फाइनल लेटर ऑफ क्रेडिट विद द टर्म्स एंड कंडीशन एंड एवरी ऑल द डिटेल्स ही कैन नॉट डिनाई वंस टेली ट्रांसमिशन इज इशूड ही नॉट डिनाई लेटर ऑन दैट they are not in a position to issue the final एल सी एंड और सिमिलर एनी with any reason so तो इश बैंक को फाइनल एल सी इशू करना ही पड़ेगा एंड one more और एक पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट क्या है जो जो जैसा कंडीशन आपके पास आया है प्री एडवाइज क्रेडिट में सेम टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फाइनल एल सी में भी मिलना चाहिए बेनिफिशरी का नाम एल सी वैल्यू यहाँ पे मैं जो इस स्वीप में मैं देख रहा हूँ एल सी वैल्यू शिपमेंट डेट एक्सपायरी डेट ऐसे जो जो चीज़ यहाँ पे मिला है ये रिड्यूस भी नहीं कर सकता है एक्सटेंड भी नहीं कर सकते फाइनल एल सी जो आपको मिलेगा ये कंडीशंस तो आपका सिमिलर होना चाहिए बाकी जो एडिशन पॉइंट एडिशनल कंडीशंस है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट्री या गुड डिस्क्रिप्शन जो भी इसमें मेंशन नहीं है वो तो कुछ भी हो सकते हैं बट जो पॉइंट्स आपका इसमें मेंशन है वो चेंज नहीं कर सकते इशू में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है अरे एक चीज़ आपको अभी मन में डाउट होगा कि अभी प्री एडवाइज या टेली ट्रांसमिटेड स्विफ्ट जो बोल रहे हैं ये इशू करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक समझाता हूँ अभी तक जो 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 कंडीशंस मैंने देखा था मेरा पिछले वीडियोस पे क्या होता था कि पहले एप्लीकेंट एल सी का रिक्वेस्ट करता था फिर इश्यूइंग uh, बैंक ने एल ट्रांसमिट किया एडवाइजिंग बैंक के फिर एडवाइजिंग बैंक ने एडवाइज़ किया बेनिफिशियरी को बेनिफिशियरी के पास एल जब मिला उसके बाद वो टर्म्स एंड कंडीशंस देखा फिर वो गुड्स ट्रांसमिट करता था अब, एप्लीकेंट को एंड डॉक्यूमेंट उस हिसाब से प्रिपेयर करके जो नेगोशिएशन जो नॉमिनेटेड बैंक है उसको प्रेजेंट करता था बट इस कंडीशन में क्या है कि एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी को थोड़ा जल्दी रहता है कि ठीक है बट क्या है कि उसका जो क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा लेटर ऑफ क्रेडिट का ठीक है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ होगा जो बेनिफिशियरी एप्लीकेंट के साथ जो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके बेसिस पे एप्लीकेंट इश्यू मैन को रिक्वेस्ट देता है वो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ बेनिफिशियरी एप्लीकेंट के बीच ये क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाना है क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा क्या इनको टर्म्स रहेगा इंश्योरेंस कौन बियर करेगा ठीक है ये सब चीज़ फाइनल नहीं होगा तो अब बट इसको अभी एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी को ये जल्दी है कि शिपमेंट अभी हो जाए कुछ भी रीज़न की वजह से कि एप्लीकेंट के पास रॉ मटेरियल नहीं है उसको जल्दी से जल्दी गुड्स मैनुफैक्चर करना है या फिर बेनिफिशियरी के पास जो वेयर हाउस में गुड्स बहुत जमा हुआ है वो खराब हो जाएगा तो जल्दी से शिपमेंट करना है ये सब कंडीशंस की वजह से क्या करते हैं आप वो बेनिफिशियरी और एप्लीकेंट डिसाइड करता है ठीक है जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे पहले तो हम गुड्स शिपमेंट कर देते हैं तो बट उसके लिए कन्फर्मेशन तो चाहिए होगा एल सी का कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे फाइनल मैम नहीं तो मैं गुड शिपमेंट कर दूंगा उसका रिस्क कौन बिहार करेगा तो इसीलिए प्री एडवाइस क्रेडिट जो इशू होता है कि उसमें मिनिमम जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो रहेगा कि एलसी एक्सपायरी डेट बेनिफिशियरी कौन होगा शिपमेंट पीरियड क्या होगा ये सारा बेसिक जो पॉइंट्स है ये मेंशन करके प्री एडवाइस क्रेडिट्स वो इशू कर देता है जिसमें ज़्यादा टाइम ताँ, नहीं लगेगा सोचने के लिए उतना तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ही नहीं कुछ क्या डॉक्यूमेंटेशन रखना है वो भी नहीं है तो वो वंस इशू हो जाए फिर गुड शिप कर देता है बेनिफिशियरी जब वो प्री एडवाइज एल मिल जाता है क्योंकि वो दैट हमने क्लॉज में अभी पढ़ा कि वंस प्री एडवाइज इज़ इशूड हैज़ टू इशू द फाइनल एल तो इसका मतलब बेनिफिशियरी के पास अभी एक अंडरटेकिंग तो है विच इज़ इवर्कबल अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट करेगा इफ दैट दट इज कंप्लाइड दैट इज कंप्लाइड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड ही विल मेक पेमेंट सो बेसिस ऑफ दैट दे बेनिफिशियरी शिफ्ट द गुड्स टू एप्लीकेंट एंड आफ्टर दैट दे डिसाइड वॉट विल बी द फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड लेटर ऑन दे इश्यू द फाइनल एल सी थ्रू तो इसी के लिए मेनली इसका ज़रूरत पड़ता है जो प्री एडवाइस क्रेडिट या टेली ट्रांसमिशन जो क्रेडिट है ये इसके वजह से ही जनरली ये ज़रूरत पड़ता है ठीक है तो चलिए मेरा ये आर्टिकल तो बहुत छोटा था यहीं पे ख़त्म होता है थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो आपको अगर पसंद आया तो थैंक यू